हेलो दोस्तों, हेलो कैसे हो आप सब। मैं आपका साथी भरत राम सिंह, जनहित स्किल्ड। दोस्तों, आज हमारे साथ टेक्निकल से ये हमारे साथी हैं और आज हम ट्रांसफॉर्मर पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाले हैं और टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर टाइप्स, ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ट्रांसफॉर्मर टाइप्स के बारे में। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वो होता है दोस्तों, जो हम हमारी प्राइमरी साइड में 11 के बी सप्लाई या 33 के बी सप्लाई आई हुई है और आउटपुट में हमें 440 मिलते हैं, उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दोस्तों वो होता है जिसमें हमने 440 सप्लाई हमारी प्राइमरी साइड में और आगे हमें आउटपुट में 11 के बी सप्लाई मिल रही, तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं, हमारे पास ये कितने के बी ए का, 1250 के बी ए का ट्रांसफॉर्मर है, इसके बारे में जानते हैं। और आप ये देख सकते हो, ये यूनिवर्सल मेक का ट्रांसफॉर्मर है। तो आइए सबसे पहले ये हमारा जो बॉक्स लगा हुआ है, इसे हम मार्शल बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर हमारी ट्रांसफॉर्मर की कुछ सेफ्टी होती है, जैसे ओटीआई और डब्ल्यूटीआई। ओटीआई का मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर और डब्ल्यूटीआई का मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर। और ये हमारा ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर इंसुलेटेड ऑयल होता है। और ये जो हमारा ऑयल है, ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मर फिन है, इनके अंदर नेचुरल एयर से ठंडा होता है ये ऑयल। ऑफलोड ट्रांसफॉर्मर है। जब भी कभी हमारे पास वोल्टेज कम या ज्यादा का इशू होगा, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी ब्रेकर लग रहा होगा SF6 या BCB, उससे हम लोड को काट के तभी इसका टेप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलोड ट्रांसफॉर्मर है। और ये जो पार्ट है, ये हमारा ब्रीदर लगा हुआ, इधर लाइए कैमरे को, ये हमारा ब्रीदर है। और ये ब्रीदर के अंदर जो भरा हुआ है, ये सिलिका जेल है। अभी ये कलर में ब्लू है, तो ये अच्छी कंडीशन का है। जैसे ये मॉइस्चर सोख जाएगा, कलर में पिंक टाइप का हो जाएगा। और ये आप इधर दिखाइए ना, ये जो इसमें डब्बी है, डब्बी में नीचे ऑयल भर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर जो ऑक्सीजन लेगा, उसके साथ ऑक्सीजन साथ जो भी गंदगी के कण आएंगे, वो यहीं पे रुक जाएंगे। एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मर की जैसे नाक में बाल होते हैं, बाल जो सांस के साथ कोई डस्ट आता है उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक वैसे ये ऑयल डस्ट को रोक लेता है। और ये जो ऊपर की तरफ ये पाइप लगा हुआ है, इसे बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। ये जो पाइप लगा हुआ है, एक्सप्लोजन वेंट है। हमारे आपने गांव में भी देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर पे किसी आंतरिक फॉल्ट के कारण जब ट्रांसफॉर्मर में कोई ओवरलोडिंग या कोई फॉल्ट आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट या कोई इस टाइप का, तो ट्रांसफॉर्मर पे लोड बढ़ेगा और ये इसके एक्सप्लोजन वेंट के डायफ्राम को तोड़ के ऑयल हमारा बाहर निकल जाएगा, ट्रांसफॉर्मर हमारा नुकसान से बच जाएगा। और ये जो दे रखा, ये है हमारे बकोल्ज रिले, ये हमारा ड्रेन पॉइंट है। यहां से हमें ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल कभी डिहाइड्रेशन कराना हो या ड्रेन करना हो, तो यहां से हम ड्रेन करते हैं। ये कंजर्वेटर का बता दो। और इसका कैसा, ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। इसको हम कभी भी पूरा नहीं फिल करते, इसको हम हमेशा हाफ में रखते हैं, ताकि जैसे ही हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ने के बाद कोई भी चीज गर्म होने के बाद फैलती है, तो इसलिए हम इसको कभी भी पूरा नहीं रखते, आधा रखते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी ITI डिप्लोमा BTech करने के बाद भी अभी तक कहीं पे जॉब नहीं मिली। तो जो लोग ITI डिप्लोमा करने के बाद अभी तक भी कहीं जॉब नहीं कर रहे, तो हम 1 मंथ का टेक्निकल कोर्स कराते हैं और 100% जॉब गारंटी देते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल जनहित स्टील्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।